is Sana Khan and I want to wish all the viewers who are watching me a very happy Diwali and a prosperous new year. अगर बात करें आज आपने मीडिया को बुलाया है कुछ खास वजह क्या? खास वजह आई थिंक बहुत सारी वजह है. द फर्स्ट इज़ डेफिनेटली द मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल ऑफ द ईयर दिवाली एंड आई थिंक इट्स पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है दिवाली. सो आई थॉट व्हाई नॉट सेलिब्रेट इट विद यू गाइस एंड इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल्स. आई एंजॉय इट द मोस्ट बिकॉज ऑल माय फ्रेंड्स आर बेसिकली माय मेजॉरिटी ऑफ माय फ्रेंड्स आर Diwali celebrating people, so I think I'm very greedy that way. कि मुझे उनके साथ बाहर जाने का खाना खाने का मौका मिलता है. So I think that's a very nice thing. I love family get-togethers. I love जो get-togethers होते हैं basically आपके close near and dear ones से मुझे बहुत ज़्यादा excite करते हैं. So I think that is definitely one of the reason that I like Diwali the most. ये दिवाली आपके लिए कुछ खास? ऑफकोर्स बहुत खास है. आई थिंक हर दिवाली मेरे लिए खास है. कुछ ज़्यादा इस बार डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ माई फिल्म. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. वजह मैं तुम हो कैसे बोलूँ, वजह मैं हूँ. डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द फिल्म. फिल्म इज़ रिलीजिंग ऑन 2 December और हम दिवाली के शुभ मौके पर आई थिंक फिल्म प्रमोशन करना शुरू करने वाले हैं एंड लकीली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. ईव ऑफ दिवाली कह सकते हो आप तब. सो आई थिंक या दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशली दिवाली एंड दिस क्रिसमस इज़ गोइंग टू बी ग्रेट फॉर मी. मूवी पे आ जाते हैं, किस तरह की मूवी है आपके किरदार को लेकर? डेफिनेटली जैसे कि सब जानते हैं इट्स अ थ्रिलर फिल्म. इट्स अबाउट लाइफ किलिंग ऑन टीवी. तो डेफिनेटली आई थिंक हर कोई इसी को जानना होगा कि क्या सस्पेंस है, क्या थ्रिलर है, एक मर्डर हो रहा है वो टीवी पे लाइव कैसे हो रहा है. इट्स अबाउट हैकिंग. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इट्स अ थ्रिलर प्लस वेरी इंटेलिजेंट फिल्म इन टर्म्स ऑफ मेकिंग. बिकॉज जब आप एक थ्रिलर बनाते हो और ऐसी टाइप की मूवी बनाते हो बहुत ज़रूरी है लिंक्स टू लिंक्स कनेक्ट करना, विच आई थिंक हैज़ हैपन्ड वंडरफुली. आई हैव सीन द फिल्म एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द फिल्म एंड आई जस्ट होप कि 2 December जल्द आ जाए और लोग भी वो फिल्म को देख पाए. और मेरे डायरेक्टर बहुत क्लियर थे, प्लीज़ एक ही फेवर करना, वो है कोई तैयारी मत करना. बिकॉज वेन यू डू टू मच ऑफ तैयारी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो फॉर द डायरेक्टर टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स. So I think he just told me come with a clear mind and I will tell you what to do, just read your dialogues and come. So the only tayari jo maine puri picture mein ki hai wo hai dialogues yaad karke ghar se gayi hu. Ek iska jo video hai kafi viral ho raha hai, ek do scene hai jo usme dikhaye gaye hain. Ek video kya, pura video hi viral ho raha hai teen minutes mein jo kafi YouTube pe kafi viral hai, gaane kafi kehte hain uske bare mein kya kehna hai, kitne excitement hai? Main to bahut hi excited hu. The way hamara 3 minute ke trailer ne पिक स्टार्ट लिया, फरारी की भी स्पीड से आगे निकल गया. आई थिंक 24 आवर्स में 10 मिलियन व्यूज़, आई थिंक इट्स एक्सेलेंट. एंड ये व्यूज़ यू नो जब ऐसा व्यू आता है तो आपको लगता है कि लोग जेन्युइनली फिल्म में इंटरेस्टेड है बिकॉज आई थिंक इट्स अ क्रेजी अमाउंट ऑफ व्यूज़ इन 24 आवर्स. एंड रिव्यूज़ हैव बीन ग्रेट, पीपल हैव बीन राइटिंग ग्रेट थिंग्स अबाउट द फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी. ऑब्वियसली एक एक्टर को क्या चाहिए कि जब आपका ट्रेलर रिलीज़ हो तो वायरल हो जाए. ऑब्वियसली तो फिल्म से भी वही एक्सपेक्टेशन है एंड आई एम श्योर दैट फिल्म विल क्रिएट लॉट ऑफ बस. सना खतरों के खिलाड़ी भी है और बिग बॉस में भी हर चीज कर लेते हैं, जज्बा कहाँ से मिलता है? पता नहीं कहाँ से आता है ऊपर वाले की. क्या कहना चाहिए बिग बॉस के बारे में? आई थिंक बिग बॉस तो भाई फ्लुक में आ गई थी उस शो में और मुझे तो पूरा शो ही समझ में नहीं आया था उस वक्त जब मैं घर के अंदर थी. और मुझे आज लगता है शिट काश मैं आज गई होती, मुझे आज शो समझ में आ रहा है कि बिग बॉस है क्या. बट आई थिंक फिर कभी कभी लगता है कि कुछ पता नहीं था, वही सबसे अच्छा रहा क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट यू नो आपने कोई गेम्स नहीं खेला और दैट इज़ अ रीज़न पीपल हैव लव्ड मी. सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस दैट विदाउट एनी माइंड गेम्स आई वेंट इन द शो एंड आई वॉज जस्ट देयर. डेफिनेटली खतरों के खिलाड़ी अगेन वॉज अ शो विच आई थॉट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, पर मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं. बहुत सारे ब्लंडर्स किए पूरे शो में पर तो भी मैं फिनाले तक पहुँच गई कर करके. आई थिंक यही होता है कभी कभी, आपको आपका लिमिटेशंस क्या है पता नहीं होता है, आपके अंदर क्या पता नहीं होता टिल द टाइम यू डोंट ट्राई इट. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी के कल को ऐसी मुझे कोई भी चीज़ ऑफर हो जो मुझे ऐसे लगे शायद मैं ये नहीं कर सकती हूँ या मैं डर रही हूँ, आई थिंक आई हैव लर्न वन थिंग फ्रॉम दिस टू रियलिटी शो इज़ टू गिव इट अ शॉट. आप कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? मैं महाराष्ट्र की हूँ. या तो अगर बात करें एक कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने आपकी लाइफ बदल दी? आई थिंक मेरे लिए मेरा अमूल माचो का एड ने ही मेरी लाइफ बदलना शुरू कर दिया. आई थिंक टिल नाउ थिंग्स हैव कम वाया दैट एड ओनली. सो आई थिंक डेफिनेटली दैट वाज माय फर्स्ट बिग ब्रेक. इसके अलावा क्या डर्निंग प्रोजेक्ट?
फिलहाल मैंने टॉम डिक एंड हैरी पार्ट टू शूट करना स्टार्ट कर दिया है. इट्स अ कॉमेडी फिल्म, दीपक तिजोरी जी डायरेक्ट कर रहा है. एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर अर्ली ईयर आई थिंक वी आर रिलीजिंग विद द फिल्म इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर. सो इट्स गोना बी नाइस कि पीपल अभी इरोटिक, आई मीन फिलहाल पीपल थ्रिलर देखेंगे और नेक्स्ट ईयर पीपल कॉमेडी फिल्म देखेंगे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस थिंग फॉर मी. आपको एक दिन के लिए बिग बॉस में अगर इनवाइट आता है तो आप जाएंगे? मैं तो हमेशा, मैं तो हर साल जाती हूँ. मुझे तो ऐसा लगता है मुझे जाएंगे तो क्या करेंगे अभी जाकर इस बार? मैं कुछ नहीं कर, मैं ऑनेस्टली मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ. अगर मुझे कोई नियत से अंदर भेजेगा कि मुझे जाके कुछ करना है तो वो प्लीज़, मैं रॉन्ग कास्टिंग हूँ. मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं वो कास्टिंग ही नहीं हूँ अगर मुझे आप बोलोगे एक दिन जाके कुछ करना है. बिकॉज आई थिंक एक दिन जाके कुछ करना होता है तो वो आप वही कर सकते हो कि आप लोगों को परेशान करो, उनके जीना दुश्वार कर दो. और मैं वो पर्सनैलिटी ही नहीं हूँ. मैं ना वो अपने सीजन में कर पाई थी जब 3 महीने में, तो आई डोंट थिंक मैं 1 महीने में कोई डिफरेंस कर सकती हूँ एक दिन में. बट इफ़ आई हैव टू लाइक एवरी ईयर आई हैव गॉन इनसाइड एज अ गेस्ट, सो आई थिंक इफ दैट इज द आई विल स्टिल कंसिडर इट. बट आई डोंट थिंक आई कैन मेक अ डिफरेंस बाय गोइंग इनसाइड. सलमान की बात करें, भाई के बारे में हाउ कैन वी नॉट टॉक? क्या कहना चाहेंगे सलमान के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी बहुत अच्छे इंसान है एंड आई रियली लाइक हिम द वे एवरीबडी एल्स लाइक्स हिम. एंड आई थिंक इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन ऑन अ वेरी सीरियस नोट. एंड आई थिंक उन्होंने बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है. सेकेंडली लिविंग एवरीथिंग अपार्ट, ही इज़ अ सुपर स्टार एंड दैट्स व्हाट मैटर्स. अपना आइडियल किसको मानते हैं आप? मैं अपना आइडियल ऑनेस्टली अपने आप को ही मानती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज आई थिंक हम हमेशा मैंने ये चीज़ देखी और मैं बचपन में मैं खुद भी ऐसी थी कि नहीं मेरा यही आइडल है, यही आइडल है. हम उनको आइडल मान लेते हैं बट द प्रॉब्लम इज़ हमको उनकी स्ट्रगल पता नहीं होती है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता. और क्या होता है जब आप दूसरों को आइडल मानने लग जाते हो, आपको सिर्फ वो टॉप पोजिशन दिखता है बट यू डोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रगल दैट यू गो एट टाइम्स वहाँ पहुँचने के लिए. देर आर फ्यू पीपल जो लकी है जो सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं, कुछ लोगों को एक स्टेप पे कितने टाइम लग जाता है. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना स्ट्रगल को वैल्यू दो, आपने जो किया है, और यू नो पेशेंटली वेट करना और हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना और सोचना कि जो भी हो रहा है करेक्ट हो रहा है और अपना वक्त लेके चीज़ें सही हो ही जाएगी. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू योरसेल्फ. एक काफ़ी इमोशनल सवाल है. अभी एक डायरेक्टर है जो भी आपके नियर बाई रहता है बाजू में ही, हाँ क्या आदर्श घर में, काफ़ी जूझ रहा है बीमारी से वो, तो उसके लिए क्या? कौन? श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अक्षय कुमार को ब्रेक दिया था, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? Oh, that's a very sad thing. I'm sorry. I'm चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है जब तक है बॉलीवुड, तो उनको कोई देखने वाला नहीं है, छोटी झोपड़ी पट्टी में है, उनकी किडनियां खराब हो चुकी हैं यार. अक्षय कुमार मुझे डराओ मत प्लीज यार. मैं अब मिलने जाएंगे क्या उनसे? मिलने जाएंगे ऑब्वियसली, आई डोंट नो हिम. मैं ऑनेस्टली आपसे ही अभी सुन रही हूँ बिकॉज आई थिंक ये तो आप चीज़ को कुछ इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ बॉलीवुड और एनी थिंग दैट हैज़ ग्लैमर दैट इज़ जस्ट देयर फॉर अ वाइल, यू नो, उसके बाद देर इज़ नथिंग. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप का ध्यान रखो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ अपना खुद का हेल्थ का केयर. सेकेंड, पैसा नहीं उनके पास बीमारी. एग्जैक्टली, ये मैंने बहुत इनफैक्ट देखा है. बहुत सारे ऐसे पुराने एक्टर्स हैं जिन्होंने ये इशू फेस किया है. एंड आई थिंक कभी कभी ऐसा लगता है दैट वी आर सो लकी कि हम ये जोन में आए हैं जहाँ पे एटलीस्ट फाइनेंशियली एवरीबडी हैज़ गुड मनी इन टर्म्स ऑफ जो पहले फीस होती थी काफ़ी बढ़ गई है. तो हम इनफैक्ट हम ये सीखते और हमें सिखाना चाहिए दैट सेविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नो मैटर वॉट यू डू. एंड डेफिनेटली अगर आपकी फ्रेटर्निटी के लोग हैं और आप उन्हें जानते हो और नहीं भी जानते, इफ़ यू कैन यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प एंड मीट पीपल एज मच एज यू कैन. थैंक यू.